हरियाणा मूर्थल के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में किसानों के लिए आयोजित हुआ शाश्वत योगी खेती जागरूकता कार्यक्रम। किसानों के उत्थान से होगा देश का विकास। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में समय प्रबंधन पर कार्यशाला। बीके पीयूष ने कहा, समय का भी बनाए बजट। और आखिर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचा मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय बस प्रदर्शनी अभियान। कई स्थानों में आयोजित हुए कार्यक्रम। युवाओं के आंतरिक विकास के लिए जरूरी है राजयोग। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज हरियाणा के मूर्थल से, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में शाश्वत योगी खेती जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। वहीं जिंद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विजय ने कहा कि सोच बदलने से खेती बदलेगी। कैसे हमें अपनी प्राचीन पद्धति को फिर से अपनाना चाहिए और अपने उन साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो हमें निशुल्क प्राप्त हैं। गौ मूत्र है और सब साधन है जिनके द्वारा हम खेती को अंदर उस रासायनिक पदार्थों की जगह ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे हमारी खेती फिर से उपजाऊ होगी। आज का ये किसान सम्मेलन बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभदायक रहा, क्योंकि आज के किसान जो कर तो रहे हैं लेकिन वो बहुत पीछे जा रहे हैं, करते हुए भी तन मन का कैसे मेहनत करके, सहयोग भी है तो फिर वो गिरावट की तरफ भी जा रहे हैं, इसलिए उनको कैसे पावरफुल बनाया जाए अपनी योगिक और ऑर्गेनिक खेती करके। इस दौरान एसआरसी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीके अमीर चंद समेत विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर जे के नांदल, शाश्वत योगी खेती के फाउंडर किसान बीके बाला साहेब, जिन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विजय, संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उत्तर भारत के कोऑर्डिनेटर बीके विजय, अर्बन स्टेट की सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रेश ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर हरियाणा से सैकड़ों किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां उन्हें जैविक खेती के साथ साथ यौगिक ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही खेती में प्रयोग होने वाली दवाइयां बनाने की विधि भी सिखाई गई। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को 4:2:1 के रेशो में या 3:1:1 के रेशो में किसान भाई डाल सकते हैं, लेकिन किसान ज्यादा यूरिया कोई डालते रहे। हमारा स्थान है तपोवन, जिसमें करीब 80 एकड़ में हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फॉलोअप सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि जब किसान खेती करना शुरू करता है तो हमने देखा गया कि उसमें जो उसको समस्याएं आती है करने के समय में, और वो जब समाधान की तरफ किसी को देखता है तो कोई अवेलेबल नहीं होता है, और ना होने समाधान न मिलने के कारण वो जाकर के फिर से रासायनिक दवाइयां ले आकर के फिर से उसको यूज कर लेता है, तो जो सारी की कराई मेहनत रहती है वो फिर से पानी में चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक प्रयोगात्मक रूप से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, जिसमें किसानों को प्रैक्टिकल सपोर्ट दिया जाए, उनका फॉलोअप किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। कार्यक्रम के अंत में कई प्रतिभागी किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। लोग कहते हैं कि हम जैविक खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन घट जाता है। उत्पादन हमारा एक ग्राम भी नहीं घटेगा जब तक जब हम उसका तरीका से काम करेंगे। आप कितने एकड़ में जमीन में और कितने एकड़ में आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? मैं 6.5 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, और हमारा 28 किसानों का समूह है जो लगभग 50 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो आप ये जो इनका कुदरती खेती, आध्यात्मिक खेती का जो शाश्वत खेती का बताया है, ये आप अप्लाई करेंगे? हाँ, इसमें जैविक खेती के अंदर हम अब योगी खेती भी मतलब अप्लाई करेंगे, और हमें लगता है कि मतलब जैसे पहले बुजुर्ग करते थे, उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ था, वो बैल को जोतते थे जब स्टार्टिंग करते थे, बोलते थे ले भाई राम का नाम। ऑर्गेनिक खेती करने से पहले डॉक्टर के हम कम से कम भी 20-25 हज़ार रुपए सालाना देते, और तब से हमने ऑर्गेनिक खेती करी, हमने 20 रुपए भी डॉक्टर को नहीं दिए, सारा परिवार स्वस्थ। घर में एक बात सबसे बड़ी क्या, हमारे घर में झगड़ा खत्म हो गया।
अच्छा, शुद्ध खाना खाया तो शुद्ध बुद्धि होगी, विचार विचार बढ़िया हो गए। तो अब आप यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम से और क्या नया सीखने? मैंने यहाँ नया सीखा, मैंने पहले सुना हुआ था अगर पौधे से बात कर सकते हैं, मैं सोचा करता यार पौधे से हम बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आ जाके पता लगा भाई हम पौधे से बात कर सकते हैं, हमारी सोचने की शक्ति होनी चाहिए, हमारा ध्यान लगा। मैं भी वहाँ जाके कम से कम 2 घंटे तो अपने खेत में जरूर से जरूर पौधों के साथ में लगाऊंगा और बातचीत करूंगा। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसके नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समय प्रबंधन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय सेवा केंद्र से आए तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पीयूष ने संबोधित किया। सारी नॉलेज है मेरे पास, सारा ज्ञान है मेरे पास, सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए विजडम मेरे पास है। विजडम कहां से है? उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं, उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई मुझे खुद ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अपने बच्चों को आज हम शिक्षा दे रहे हैं दीक्षा नहीं। जिसके पश्चात प्रतिभागियों ने गहन योगानुभूति की, साथ ही अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। आई थिंक टू द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि एक तो सोने से पहले जो आपकी सोच है और उठते ही जो आपके माइंड में आता है, आई थिंक जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, अपने आप को मेडिटेशन करना है सुबह कि हमें आज दिन में क्या प्रायोरिटाइज करना है, हमारा क्या इम्पोर्टेंस है, और हम शाम तक जाए तो हैप्पी रहे, मतलब अपने आप को खुश महसूस कर सके। मेरा भारत स्वर्णिम भारत अखिल भारतीय बस प्रदर्शनी अभियान के मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचने पर कटंगा कॉलोनी के कई स्थानों में सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां मौजूद अतिथियों में पार्षद कमलेश अग्रवाल ने अभियान यात्रियों का स्वागत करते हुए युवा अभियान द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। वहीं नर्मदा महा आरती के कार्यक्रम में आए महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरिजी महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नर्मदा के पावन तट पर अनेक बहने और हमारे भ्रातागण जो पूर्ण कालिक होकर समर्पित होकर एक और माँ नर्मदा की आराधना यहाँ की नित्य आरती और वंदना में उपस्थित हुए हैं, वहीं उन सबके अंतःकरण में, उनके सात्विक और निर्मल अंतःकरण में एक पावन संकल्प है, और वो संकल्प है हम अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। हम तो परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम सभी को रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और शहर को, प्रदेश को और देश को इतना स्वच्छ बना दें, क्योंकि हम पहले के लोग कहते थे कि जहाँ पर सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। यदि हम साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा और सब जितने हमारे यहाँ की जनता है सभी लोग अच्छे से धन्य धान से पूर्ण रहेंगे। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरिजी महाराज, कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विमला समेत मौजूद अभियान के सदस्यों ने महा आरती कर स्वामी जी को बस प्रदर्शनी का अवलोकन कराया। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय सेंट अलायंसेस कॉलेज में विद्यार्थियों से जीवन में मूल्यों को अपनाने की अपील करते हुए बीके सुषमा ने प्रदर्शनी समझाई। इस दौरान ऑस्ट्रिया से आए मनोवैज्ञानिक बीके रैनन बार्थ ने सेंट अलायंसेस कॉलेज में अपने निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया। I always got the same answer, and human being cannot know that. And so I was used that never ever anywhere I got these answers, but something told me within myself it's possible to understand these things. And so I heard that in 5 hours I can understand who am I, how do I function, where is the power station and how to draw power from. अभियान के चलते नानजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में भी बस के पहुंचने पर पूरे स्टाफ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
उसके पश्चात आयोजित सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी.डी. जुयाल ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के पश्चात शहर में शोभा यात्रा निकालकर युवाओं को प्रेरित किया गया, वहीं नशा मुक्ति के लिए सभी से प्रतिज्ञा भी कराई गई। यूपी में मिर्जापुर के कृषि विभाग की ओर से नगर पंचायत कछुआ के गांधी पार्क में विराट किसान महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्थानीय विधायक सुचिष्मिता मौर्य की उपस्थिति में किया, जिसके पश्चात बीके राजकन्या एवं बीके नीता ने मंच पर उनका स्वागत भी किया और कार्यक्रम में मौजूद हजारों किसानों को ईश्वरीय संदेश देते हुए शाश्वत योगी खेती के लिए प्रेरणा दी। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से किसान सशक्तिकरण पर स्टॉल भी लगाया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा रिबन काटकर किया गया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यालय माउंट आबू से कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी पहुंची। शुरू से ही दादी जी की, दीदी जी की राइट हैंड बन करके रही, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और समझ से सदा रही और जो भी आज्ञा मिले वो तुरंत कार्य करने का ये मेरा फार्मूला था, उसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। कोलकाता के ज्ञान मंच पर फीलिंग गॉड्स मैजिक थीम पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भारत समेत कई अन्य देशों से आई वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहनें उपस्थित रहीं, जिनमें त्रिनिदाद में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके हेमलता, अफ्रीका के नैरोबी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रतिभा, न्यूजीलैंड से बीके भावना, लॉस एंजलिस से बीके गीता समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने अपनी शुभाशय व्यक्त की। कोई भी पोल्यूशन नहीं है, बहुत सारी ग्रीनरी है और हाथों से फूल फल तोड़ करके खाते हैं, तो वहाँ की आबहवा भी अच्छी है, व्यस्त भी रहते हैं और बाबा के ज्ञान में भी चलते हैं। यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं हमको कलकत्ता जरूर जाना है। मेरे को सचमुच में लगा कि यही एक संस्था है जिसमें मैं अपना जीवन तो अच्छा बना ही सकती हूँ, परंतु विश्व की आत्माओं को भी मैं मदद कर सकती हूँ। दादी हमेशा कहती थी कि अपने भारत की कुमारियों को प्रभा कुमारी बनाया है, लेकिन फॉरेन की अभी तक बनी नहीं है। जयंती बेन और सुमन बेन थी, लेकिन वो तो भारत में जन्मी है इसलिए उनको बनाया, लेकिन आपको हमको सोचना पड़ेगा। फिर भी फर्स्ट कुमारी और फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी अभी तो हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है। जब जब वहाँ से अपने ब्राह्मण परिवार मधुबन आते हैं, भारत आते हैं, तो शुरू में हम पूछते थे कि भारत में आपको इतनी गंदगी नहीं दिखाई देती, तो बहुत बड़ा प्यार से जवाब दिया कि यहाँ गरीबी आँखों में जब हम देखते हैं तो बहुत ही शांति का अनुभव दिखाई देता है, जो हमने आज तक भी ऐसी शांति का अनुभव नहीं देखा। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कानन, कानपुर सब जोन प्रभारी बीके विद्या समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों का स्वागत सत्कार नृत्य एवं अद्भुत प्रस्तुतियों से हुआ। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जीवन की यात्रा में कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हम अपने ही संकल्पों के माध्यम से कभी समस्याओं का समाधान करते हैं तो कभी स्वयं ही परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं। ऐसे ही जीवन से जुड़े कुछ गहन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यूके लेस्टर के हार्मनी हाउस में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। इस कार्यशाला को तुर्की में ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके योगेश ने संबोधित किया। One reason why there is so much corruption in the world today is because people don't have the patience to achieve results with values. So they cut corners to get a quick result in something, whether it's status or power or money or whatever it might be. But of course, when you transgress a value, you will suffer at some point. इस कार्यशाला के बाद प्रश्न उत्तर सत्र भी रखा गया था, जिसके पश्चात प्रतिभागियों ने राजयोग कमेंट्री के माध्यम से
गहन ध्यान अनुभूति की। आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।